गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर हर्षित। कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ डॉक्टर हर्षित। एक्चुअली आपको तो पता ही है ऑप्शन गाइने में पेशेंट फुटफॉल हमेशा ज्यादा रहता है, तो वर्कलोड तो है ही। आपका काम कैसे चल रहा है? मैम काम तो सही चल रहा है, लेकिन आपको तो पता ही है मैं जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, एंड मैं प्लान कर रहा था कि मुझे यूके सेटल होना है। सो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा गाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। अच्छा, आप भी यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हो? एक्चुअली मैंने भी मेरा भी प्लान था ये कि मैं यूके में सेटल हो जाऊँ ना, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने भी अप्लाई किया है, मेरा सारा प्रोसेस हो चुका है, बस आई एम वेटिंग फॉर माई वीजा टू कम। सो बेसिकली क्या होता है, यूके के लिए अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो आपको सबसे पहले प्लैब एग्जामिनेशन जो है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो प्लैब के लिए बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग सेंटर्स है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, यू नो हाउ टू क्वालिफाई इन प्लैब। आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको यूके में जाके प्रैक्टिस करना है, तो यू हैव टू बी प्रोफिशियंट इन क्लिनिकल ऑडिट एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है? सो देर इज एन इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, सो वहां से मैंने क्लिनिकल ऑडिट की ट्रेनिंग लिया है। मैम आपको तो पता ही है आपके वर्क लोड कितना ज्यादा है, एंड इसके बीच में मैं प्लैब और क्लिनिकल ऑडिट प्रोग्राम की प्रिपरेशन कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ेगा, मैंने भी दिया है, ठीक है? एंड अभी तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, यू नो यू कैन सिलेक्ट द मोड ऑफ स्टडी, आप ऑनलाइन मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो, हाइब्रिड मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की तरफ से मुझे कम्प्लीट हैंड होल्डिंग्स मिला है इसमें कि यू नो मैंने हाइब्रिड मोड में स्टडी किया है, एंड जब आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाता है, यू विल गेट अ वर्चुअल मेंटरशिप सेशन, जिसमें आपको हाउ टू सिलेक्ट दी टॉपिक, ठीक है, आपकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक सिलेक्शन में वो आपको हेल्प करेंगे, एंड उसके बाद उसको हॉस्पिटल में जाके कैसे इम्प्लीमेंट करना है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, हाउ टू प्रिपेयर दी रिपोर्ट ऑन क्लिनिकल ऑडिट, वो सारी चीज में आपको हेल्प करेंगे। एंड फॉर यूके देर इज अ डिफाइंड फॉर्मेट जिसमें आपको उस क्लिनिकल ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करना होगा, तो एस्ट्रॉन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडी से वो हेल्प भी आपको मिलेगा, यू नो किस तरह से आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्लिनिकल ऑडिट को सबमिट करोगे। सो जब तक आपका ये कंप्लीट प्रोसेस यू नो खत्म नहीं होता, तब तक यू विल गेट दी हैंड होल्डिंग फ्रॉम एस्ट्रॉन। थैंक यू मैम, आप मेरे साथ एस्ट्रॉन की आप डिटेल शेयर कर देना, साथ साथ मैं क्लैब की भी अप्लाई करूंगा कि कहाँ पे होता है क्लैब के लिए भी। सो थैंक यू फॉर योर गाइडेंस मैम, अगर इन बिटवीन मुझे कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी इसके रिगार्डिंग, सो मैं आपको कॉल कर लूंगा। श्योर डॉक्टर हर्षित, आप कोई भी इन बिटवीन आपको सपोर्ट की जरूरत है, यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम।